अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चेक काम गया। पहले यार के चक्कर में हमारा सच इस लड़की के सामने आ गया और अभी चेक भी चल गया। लगता है किस्मत ने हमसे वाकई मुंह मोड़ लिया है। एक बात तो तय है, ये लड़की सिया रघुवंशी है, वरना इतने नशे में भी इसने विधि के सिग्नेचर नहीं किए। बस भगवान करे कि सवेरे से कुछ याद ना, इसका नशा इतना हो कि इसे कुछ भी याद ना रहे, वरना हमें तो अपनी जिंदगी को भूलना ही पड़ेगा। मेरा सर, ये फकीर ने पता नहीं क्या भांग पिला दी, अभी तक सब घूम रहा है। कल शाम को सोया था मैं, अभी जाके उठा हूँ, सर फटा जा रहा है। अगर पचती नहीं है तो इतनी पीते क्यों? अबीर बस भी कीजिए, आप भी ना वंश, आप कुछ खाइए, ये लीजिए, बेहतर फील करेंगे। ले लो एक कचौरी ले लो। तुम्हारी ना छुट्टी खत्म और काम शुरू। एक काम करो, भाग के ना कचौरियां गरम करके ले। सिया मैडम भी आने वाली हैं, उन्हें झूठे लोग और ठंडी कचौरियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी करके ले आए। घूरने से कचौरियां गरम नहीं हो जाएंगी, सिया के सेक्रेटरी हो ना, काम करो कुछ। सर, दीदी। हाँ? हेड मसाज हो जाए प्लीज। अभी करती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे गरम गरम कचौरी खाने का। अब बताते हैं बेटा, कान में से क्या, हर जगह से धुआं निकलेगा। बस दीदी बस, हो गया, थैंक यू। अरे अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारे इंतजार कर रहा था। चलो बैठो नाश्ता करते हैं। ले लीजिए, आपके लिए गरम गरम कचौरी खास आपके लिए। बैठो बैठो। वंश, नाश्ता करने से पहले हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो। अरे लेकिन कचौरी। हमने कहा चलो। सर को भूख लगी है, खाने तो दो। Are you sure? तुमने तरुणा जी को अपने पैरों पे खड़े देखा? चल सकती है डॉक्टर साहब, मारे को ऐसा ही लगता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मारे को कुछ ठीक से याद नहीं है, हम भांग के नशे में थे, मारे को समझ में ना आ रहा है कि जो हमने देखा वो सच था या सपना। लेकिन अब ये देखिए, मारे को मारे कमरे में क्या मिला, ये पल्लू डॉक्टर हुकुम ने कल पहना हुआ था, ये जला हुआ टुकड़ा इस बात का सबूत है कि उनका पल्लू जला था। हारे को तो ये समझ में ना आ रहा है कि इतने दिनों से मारे को लग रहा था कि हम उनकी इस हालत की जिम्मेदार हैं,
कि हमारी वजह से वो अपाहिज हो गए। हमारे को ये समझ में ना रहा डॉक्टर साहब कि हम उन पे शक करें या उनका सच सबके सामने लेकर आए। करुणा जी को लाचार समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तो फितरत है अपने मतलब के लिए अपनों को धोखा देना। डॉक्टर साहब, आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपको तो कुछ ही दिन हुए इस घर में आए हुए। अरे हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी नजरों से तो देखा है ना इन सबको। तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम्हारी बलि देने के लिए वो तुम्हें इस घर की बहू बना के लाई। बताया था ना तुमने? अब बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मारे को समझ में ना आ रहा है कि अगर ये सब मारा वह है, मैं तो गुमसा व्हील चेयर पर बैठ कर सबको बेवकूफ क्यों बना रही है? हम जब से इस घर में आए ना, हमको बस एक बात खाई जा रही है, जिस निशांत कुंवर साहब से वो इतनी नफरत करती थी, वो अचानक उनके इतने करीब कैसे हो गए? डॉक्टर साहब, मारे को तो ये भी लगता है कि हरा भरण कराने के पीछे उसमें भी डॉक्टर हुकुम का ही हाथ है। अगर तुम्हारा शक सही है ना, तो बाड़मेर एक्सप्रेस दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये सच हम सबके सामने बाहर कैसे लेकर आए? है एक तरीका। ये वंश एक नंबर का चेप है, पता नहीं क्या कुसर पुसर कर रहा है विधि के साथ। ये लो, कचोरी खा लो, वरना फिर से ठंडी हो जाएगी, गर्म नहीं करेंगे दोबारा। अब वो वैसे आप दोनों यहाँ बात क्या कर रहे थे? तुमसे मतलब? वंश, चलिए यहाँ से। ए, हम तो पूछ रहे थे। गुड मॉर्निंग सिया, कैसी लगी हमारी बाड़मेर की स्पेशल होली? बस अब इस लड़की को कल रात की हमारी मुलाकात याद ना हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल, मजा आ गया। हाँ, आपको तो मजा ही आया होगा। पता नहीं डॉक्टर हुक्म ऐसे क्यों पेश आ रही, जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। हम हमारे नहाने का वक्त हो गया तो हम चलते हैं। मतलब जाते? चलो, हमने कपड़े भेजे थे इस्त्री करवाने के लिए, हमारे कमरे में भिजवा देना। जी मैम, करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे को समझ में ना आ रहा है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर रुकम के माथे पर एक शिकन की लकीर ना थी, तो ऐसे बिहेव करिए जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।